ये जरूरी होता है बच्चा देने के बाद में, ये चीज़ अगर आपकी गाय और बछड़े में जब तक लिए ना हो तब तक लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ ज़रूर कराएं। हेलो एवरीवन, सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोहित तिवारी फार्मिंग एडर्स में। तो जैसा कि आप लोगों ने देख चुका है कि हमारी जो रेड वाली गाय है उसने बच्चा दे दिया है। तो कल लगभग 7 बजे तक हमारा कंप्लीट हुआ था, सब कुछ होके मिल्किंग वगैरह सब कुछ हो गया था। और यहाँ देख सकते हैं मैं इस प्यारी सी नन्ही सी बछड़ी के पास में बैठा हुआ हूँ। काफ़ी खूबसूरत है, फीमेल काफ आया है। और जो जो भाई ने कमेंट किया था कि 2 घंटे में देने वाली है, फीमेल देने वाली है, तो उनको बधाई। और आप लोगों के सॉरी एक्सपीरियंस को मैं सैल्यूट करता हूँ। ये हमारी प्यारी सी बछड़ी है, एबीएस की थी। और एबीएस की कौन सी बुल की थी उसका डिटेल्स मैं आपको कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इसको सॉरी मैं सभी कैमरा को पीछे कर लेता हूँ। पीछे में बच्चा देने के बाद सब जगह हल्दी लगाया गया है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, और बाकी की विधि मैं आगे वीडियो में कल जो मैंने शूट किया था वो सारा चीज़ आप लोगों के बीच में एक्सपीरियंस के साथ में शेयर किया हूँ और कर रहा हूँ आगे। उस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी नॉलेज होगा और आपके भी जब गाय डिलीवरी हो तो ये सब सारी चीज़ कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया होगा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और कल की वीडियो शूट किया हुआ है तो उसको पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, और आगे की विधि मैं अगले वीडियो में सारा चीज़ दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोहित तिवारी फार्मिंग आइडियाज़ में। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग सारे बढ़िया से होंगे। तो देख सकते हैं हमारी जो गाय थी, थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि कब तक बच्चा देगी, और बहुत सारे भाई का कहना था कि 10 दिन लेगा या 20 दिन लेगा। तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज नॉलेज होता है, और सबसे बड़ा होता है आप कितने दिन से वर्क कर रहे हैं और कितने दिन से काम करते हैं। और बच्चा देना और ना देना तो ये ऊपर वाले की इच्छा होती है और ऊपर वाले की देन होती है। तो सबसे पहले तो सभी को बधाई, और पूरे फार्म में जितने भी हैं भाई उनको तो सबसे पहले बधाई। अभी मैं गाय को खोल देता हूँ थोड़ा देर के लिए, उससे क्या होगी कि अच्छी तरीके से चाट पाएगी और अच्छे तरीके से बच्चा को अपना प्यार कर पाएगी। तो देख सकते हैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दिया है ये बच्चा, और ये बछड़ी है, बहुत ही अच्छा है बछड़ी है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी ये आपको वीडियो में दिखाया जाएगा, वीडियो पर बने रहिएगा। बहुत सारी बातें, ढेर सारी बातें आप लोगों को जानकारी मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। तो दोस्तों अभी थोड़ा ही देर पहले ये वीडियो आई थी आप लोगों के बीच में, और उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं, देखिए 15 मिनट नहीं हुआ, देसी देसी होता है, एबीएस का बुल का सीमन लगा था। तो बहुत ज़्यादा प्रयास ये करने लगी है, बछड़ी है, फीमेल काफ है, और ये देखे काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त है ये, बहुत ज़्यादा देखिए, ये देखिए ये होता है देसी में, और देसी बछड़ा है बछड़ी है। तो ये प्रयासरत में है कि जितने जल्दी खड़ा होकर मैं दूध पी लूँ, और इधर अपनी गाय जो है सो थोड़ा सा चाट रही है, ठीक नहीं है। अरे चला था इसको एकदम, हमेशा से आपको कभी भी ये कचरा देना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक चीज़ नहीं होता है। और तो इसके बाद हम लोग कैल्शियम जेल पिलाएंगे रिसेंट में, और 15-20 मिनट के अंदर में ही इसको जेल पिला देंगे। तो जब भी बच्चा होने के बाद, काविंग होने के बाद आपको तुरंत से बच्चा पिलाना है और कैल्शियम जेल, तो थोड़ा देर में और ज़्यादा वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों एक नॉर्मल सी डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगती है, ये देखिए आप, ये अपना जेर गिराने का भी स्टार्ट कर रही है, ये प्रयास में है, और जेर भी ये गिरा देगी बहुत आसानी से। तो जेर वगैरह गिराने में एक समस्या है मुझे नहीं लगी, ये देखिए इसका अगर डिलीवरी एवरेज दर देखा जाए तो 1 घंटे के अंदर में सारा चीज़ एकदम प्रॉब्लम विदाउट क्रिएट किए आराम से ये निकाल दी। तो ये होता है दोस्तों एक नॉर्मल डिलीवरी, अगर आप फीड वगैरह सारा चीज़ अगर बढ़िया तरीक़े से कुछ चीज़ें होती है। अब इसको क्या क्या दिए हैं वो आगे की चीज़ में आप लोगों को बताया जाएगा, आगे समस्या जो भी होगा वो प्रॉब्लम जो ना हो उसके लिए हम लोग क्या क्या ऐसा चीज़ दिए थे जिसमें आपको सारा चीज़ की जानकारी दी जाएगी। ये देखिए तो ये जेर नहीं थी, ये दूसरे का ब्लैडर था। इसके बाद में जो जेर निकलेगा वो सारा चीज़ जेर निकलेगा उसमें।
जेर भी आगे जो जल्दी गिरा देगी। तो दोस्तों ऐसे भी जेर गिराने का स्टार्ट ये कर चुकी है, कुछ समय तो लेगी ही, बहुत इजी वे में लगभग 15-20 मिनट के अंदर में इसने जेर गिरा दिया था, तो जेर भी ये बहुत जल्दी ही गिरा देगी। खाना स्टार्ट की है, थोड़ा सा बिचाली था वो उसको डाल दिए हैं, मुंह इसका चलता रहेगा, और जैसे ही ये जेर गिराती है उसके बाद से बच्चा को ऐसे पिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बैठी हुई है इसके कारण से, बच्चा भी बैठा हुआ है और उसी के कारण जेर मतलब बच्चा को पिलाए नहीं है, थोड़ी सी बैठी हुई थक गई है, तो अब कैल्शियम जेल ला के पिलाएंगे इसको, उसके बाद से आगे का प्रोसेस वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों अभी अभी मैंने इस गाय को उठा दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा देर तक आपको बच्चा देने के बाद में बहुत ज़्यादा देर तक बैठने भी नहीं देना है, हार्डली से हार्डली 15-20 मिनट बैठेगी, उसके बाद से आपको उठा देना है। उससे क्या होगी, नसें जो है सो बंद हो जाती है, जब बच्चा देने के टाइम पे क्रम में होती है तो सारी नसें एकदम नाजुक से खुली हुई रहती है, और उस टाइम अगर बैठ जाए तो कोई नस अगर दब जाती है तो वो बंद हो जाती है, और बाद में फिर वो खुलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी करती है। तो उसके कारण से क्या है कि अभी मैंने इसको उठा दिया है, हर 20-25 मिनट में अगर वो बैठ जाती है तो 20-25 मिनट बाद रेस्ट करने के बाद अब उठा दे, उससे क्या होगी कि जो बच्चा है वो एक्टिविटी भी चालू करेगा अपना, और ये देखिए लगभग लगभग 45-46 मिनट होने के बाद में हमारा बच्चा जो है सो खड़ा हो गया है, ABS बुल का बच्चा है। उसके बाद से ये क्यों देसी आया उसके बाद में पूरा फुल डिटेल्स तो आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताया जाएगा, और जो डॉक्टर साहब ने दोनों डॉक्टर साहब ने लगाया था इसको सीमन, उनको भी बताया तो उन्होंने बताया कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट कोई नहीं ठीक है। इस गाय का रिकॉर्ड है कि इससे पहले जो भी बच्चा आया था वो खड़ा होने में असमर्थ रहता था और बच्चा टिकता नहीं था इसका, तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ सबसे पहले सॉल्व हुई है। और कैल्शियम जेल लाने की अभी हम लोगों ने भेजे हैं, भाई को भेजे हैं लाने के लिए, तो वो लेके आ रहे हैं, बहुत जल्द कैल्शियम जेल लेके आ जाएंगे, तो इसको पिला देंगे अभी 250 ml, फिर 250 ml रात में एक बार पिला देंगे तो 500 ml हो जाएगा, फिर कल के दिन में हम लोग 500 ml पिलाएंगे। और इसको सबसे पहले अभी अजवाइन गुड़ और ये क्या बोलते हैं हल्दी, ये चीज़ को उबाल के हम लोग अभी लगभग 15-20 लीटर पानी पिलाएंगे इसको सबसे पहले, और पिछाड़ा में जो पेशाब के जो रास्ता है उसमें हल्दी पूरा अच्छा से लेप में लगाएंगे, ताकि क्या होगा कोई भी इन्फेक्शन जो है सो बिल्कुल नहीं होगा, और इन्फेक्शन से बचाने के लिए सबसे बड़ा काम होता है हल्दी का, और हल्दी जो है सो सबसे ज़्यादा वर्क में आता है। तो आपको जब भी यूज़ करें तो ये चीज़ बच्चा देने के बाद में ध्यान रखें, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पूरा इस जगह में पोर्शन में आपको हल्दी लगाना है। अभी देखिए जैसे जेर गिराने के स्टार्ट की है, कुछ ही देर में हमको लगता है 1.5-2 घंटा में हो सके तो ये जेर गिरा देगी, उसके बाद से इसको मिल्किंग करेंगे, तब तक के लिए बच्चा पिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा को भी पिला सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास तो ऐसे करने का स्टार्ट कर दिया है, बच्चा भी एक्टिव हो गया है, बच्चा भी मैं लगता है कि अब पीना स्टार्ट करेगा, वो देखिए यहाँ पे बच्चा पीने का स्टार्ट वहाँ पे कर रहा है, तो जैसे इधर आएगा तो वो सारा चीज़ एक्टिविटी चालू रखेगा। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि 2 घंटे बाद बहुत सारे भाइयों को जिनको लगता था कि आज ही बच्चा दे देंगे, पिछले वीडियो में उन्होंने जो जो कमेंट किए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, और यह आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस गाय में झंझट नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं आती है। अब जेर गिराने में जो भी सब टाइम लगेगा उस समय में ही इंतज़ार है, जेर गिराने के बाद में इसको सही टाइम में खाना वगैरह भी दिया जाएगा, लेकिन हाँ अभी कुछ दिनों तक इसको गर्म पानी का इसको देंगे, गर्म पानी ही यूज़ करेंगे, तो वो सारी चीज़ आपको वीडियो में बताई ही जाएगी, और कैल्शियम जेल हम लोग कैसे पिलाएंगे उसको भी बारे में बताया जाएगा, वो आगे की वीडियो में आप लोगों को डे बाय डे बताया जाएगा। और इसकी मिल्किंग वीडियो भी आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, सारा चीज़ की प्रोसेस आपको धीरे 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 सारा चीज़ की जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। काफ कौन सा है ये चीज़ देख लें, आप लोग भी सेटिस्फेक्शन हो जाए, तो ये फीमेल काफ है आप लोग देख लें, और ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, तो ये फीमेल काफ है। तो दोस्तों अभी अभी इस गाय ने लगभग 6:45 मतलब मान के चले कि 3 घंटे बाद, लगभग 3 घंटे के बाद में इसने जेर गिराया है, ये इसका जेर है, ये देखें ये इसका थन का साइज है, ये बछड़ी है यहाँ पे, तो अब इसका दूध निकालेंगे और बच्चे को भी पिलाएंगे, और बच्चे को पिलाने के बाद में आगे की कार्यक्रम की जाएगी सारी चीज़, तो इसको सारा चीज़
दे दिए हैं, अब यहाँ से इसको साइड कर दिया जाएगा ताकि ये खा न ले, तो इसको खाली करके इसको फेंक दिया जाएगा जहाँ पे जो जाता है, सबका अपना अपना जगह ये है। अब इसमें करना यही है कि मिल्किंग हम लोग इसको करेंगे और रात होते होते जो 250 ml है अभी तो और नहीं पिलाएंगे, सुबह में ही अब पिलाएंगे। अजवाइन हल्दी गुड़ ये दे दिए हैं, पानी के साथ में पिला दिए हैं। तो कैसी लगी दोस्तों, हमारी गाय ने बच्चा दे दिया है, अब थोड़ी सी राहत मिलेगी दूध को लेके, लेकिन गाय नई गाय तो आएगी ही आएगी। अब इसको मिल्किंग करते हैं, कुछ जानकारी आपको मिली होगी, अनुभव हुआ होगा तो शेयर कीजिएगा आप भी, और हमारी गाय का बच्चा देने का आप लोग कितना खुशी हुआ ये चीज़ भी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेयरी से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए, जय हिंद वंदे मातरम।